हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे आदित्य प्रॉपर्टी ब्लॉग। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे चैनल पे पूरे 1500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट में मेरी चैनल पूरे ट्रेंडिंग में चल रही है पूरे अहमदाबाद और गुजरात में, ये सब आपके साथ और सरकार से है। दोस्तों, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे कई बार कमेंट में बोला है कि सर आप 1 BHK का वीडियो लाइए, 2 BHK का वीडियो लाइए जो अफोर्डेबल रेट में हो और प्राइम लोकेशन में हो। तो दोस्तों, मैं आज ऐसा ही वीडियो बना के लाया हूँ आपके लिए, जहाँ पे 1 BHK सिर्फ 17 लाख से स्टार्ट होता है, 2 BHK सिर्फ 23.5 लाख से स्टार्ट होता है, वो भी ऑल इंक्लूसिव दस्तावेज के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बढ़िया बनेगा और इसको आप एंड तक बने रहना। ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको रेट बताया है, यहाँ पे आपको और भी क्या फ्री मिलने वाला है, क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। बेस्ट लोकेशन, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं अभी हम कहाँ हैं। अभी हम हैं वेव 84 एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर 1 BHK, 2 BHK और शॉप्स का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आया हुआ है न्यू बटवा में, आप देख सकते हो ये बटवा में है और बहुत ही अच्छे प्राइम लोकेशन पे है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, आप देखिए यहाँ से एक ये रोड जा रहा है, ये रोड सिर्फ यहाँ से 2 किलोमीटर आप आगे जाते हैं तो नारोल असलाली हाईवे से कनेक्ट होता है और आप देख सकते हैं एक ये रोड ये जा रहा है, ये डायरेक्ट SP रिंग रोड से कनेक्ट होता है। हमारे ये जो देव 84 का जो प्रोजेक्ट है, इसके जस्ट पास में पूरा बंगलो पॉकेट है, यानी 80 से 100 बंगलों का एक पूरा प्रोजेक्ट आया हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया प्राइम लोकेशन में आई हुई प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, हम आपका टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, मैं आपको पहले सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा, उसके बाद में उसकी एमिनिटीज बताऊंगा और हाँ, एंड में आपको यहाँ पे बुकिंग पे क्या फ्री मिलने वाला है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहना, चलते हैं हम सैंपल हाउस की तरफ। आइए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे सैंपल हाउस और यहाँ के लोकेशन पर। तो आप देख सकते हैं मेरे एक इस साइड में एक टावर है और इस साइड में एक टावर है, यानी यहाँ पे 1 BHK और 2 BHK दोनों अलग अलग है। दोनों ऐसा नहीं है कि 1 BHK और 2 BHK एक टावर के अंदर दिया गया है, यहाँ पे 1 BHK का टावर अलग है, 2 BHK का टावर अलग है। इनकी 2 वार्स के 1 BHK फ्लैट है और 112 वार के 2 BHK फ्लैट है। यहाँ पे टोटल 7 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये भी 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। हर फ्लोर पे हमको 6 मकान मिलेंगे, 6 मकान यानी 7 × 6, यहाँ पे आपको 42 मकान मिलेंगे, यहाँ पे इसी तरह से आपको 42 मकान मिलेंगे, यानी सिर्फ 84 यूनिट्स, यानी सिर्फ 84 परिवार यहाँ पे रह सकते हैं। यानी बहुत ही छोटी स्कीम और बढ़िया स्कीम। आप देख सकते हैं मेरे इस हैंड पे आपको 5 शॉप्स हैं और इस हैंड पे भी 5 शॉप्स हैं, यानी छोटा मोटा शॉपिंग करने का काम तो आपका यहीं हो जाएगा, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं सैंपल हाउस की तरफ। दोस्तों, हम आ गए हैं सैंपल हाउस की तरफ। ये सैंपल हाउस देखो, उससे पहले आप यहाँ का ये बॉयर देखिए, ये देखिए 42 फीट × 7.5 फीट, यानी इतना बड़ा बॉयर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी बहुत बढ़िया जगह आपको मिलेगी यूज करने के लिए। आपके प्राइवेट पर्सनल कोई भी प्रोग्राम हो आप यहीं पर कर सकते हैं, छोटी मोटी कथा हो, छोटा मोटा फंक्शन हो, 50-60 आदमी का आप कोई भी गेट टुगेदर रखो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आप देख सकते हैं हमको कितनी बड़ी जगह मिलेगी,
टोटल हर फ्लोर पर हमको 6 मकान मिलेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, तो उस साइड है। ये 5 और ये 6, टोटल 6 मकान मिलेंगे। हर फ्लोर पे हमको 2 लिफ्ट मिलेंगी। आप देख सकते हैं अभी ये साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमको ये इस साल में यानी 2023 के एंड तक पजेशन भी मिल जाएगा, यानी बहुत ही फास्ट काम स्टार्ट है। हम चलते हैं सैंपल हाउस की तरफ। 1 BHK 82 बार का ये सैंपल हाउस है। डेवलपर ने ये हमको पूरा फर्निश करके बताया है, यहाँ पूरा फर्नीचर और सब बनाया हुआ है, तो हम ये सैंपल हाउस देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम हमारे घर में फर्नीचर किस तरह से बनाएंगे। दोस्तों मैंने कहा था ना कि एक चीज यहाँ पे आपको फ्री मिलेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आइए, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, 11 फुट 2 इंच बाय 11 फुट का बहुत बढ़िया ड्राइंग रूम है। ये देखिए पूरा फर्नीचर डेवलपर ने बना के हमको सजेस्ट किया है कि आप इस रूम को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारा किचन एरिया है, 6 फुट 9 इंच बाय 7 फुट 2 इंच का। ये देखिए इस तरह से किचन एरिया है। मैंने एक चीज आपको कही थी कि कौन सी चीज आपको फ्री मिलेगी, तो दोस्तों ये जो किचन आपको दिख रहा है ना, जिस तरह से उसी तरह से आपको किचन फ्री मिलेगा, यानी इस तरह से पूरा मॉड्यूलर किचन आपको डेवलपर बना के देंगे। बहुत अमेजिंग ऑफर। ये हमारा वॉश एरिया है, 4 फुट बाय 5 फुट का, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हो या आपको जो भी सुटेबल स्पेस का यूज करना हो कर सकते हो। ये बेडरूम 10 बाय 10 का आप देख सकते हो, बेड है, वार्डरोब लगाया हुआ है, तो भी हमको रूम में एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे हमको एक विंडो भी मिलेगी और ये बेडरूम में हमको एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ मिलेगा, 4 फुट बाय 6 फुट का। हमको एक यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथ मिलेगा, 4 फुट 9 इंच बाय 3 फुट 9 इंच का। दोस्तों चलते हैं हम 2 BHK सैंपल हाउस की तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं 2 BHK सैंपल हाउस की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको जैसे 1 BHK था, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको हर फ्लोर पे 6 मकान मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 मकान। आप देख सकते हो यहाँ का ये फॉयर भी काफी बड़ा है, जैसे 1 BHK में था, 36 बाय 10 यानी 36 बाय 10 फुट का, ये बहुत बड़ा फॉयर है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे छोटा मोटा फंक्शन कोई गेट टुगेदर यहाँ पे कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके 2 लिफ्ट मिलेंगे, यानी हर फ्लोर पे आपको 2 लिफ्ट का यहाँ पे आयोजन किया गया है। आइए आप देखिए ये फॉयर कितना बड़ा, बहुत अच्छी स्पेस है और इस स्पेस का आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। चलते हैं हम सैंपल हाउस की तरफ। 112 बार का ये सैंपल हाउस है 2 BHK का। यहाँ पे भी डेवलपर ने पूरा हमको फर्निश करके बताया है कि आप ये फ्लैट को किस तरह से डिजाइन कर सकते हो। और हाँ, मैंने आपको यहाँ पे भी डेवलपर आपको कुछ फ्री में देने वाले हैं, तो दोस्तों आइए वो भी मैं बताता हूँ। ये हमारा ड्राइंग रूम है, 10 बाय 13 फीट 6 इंच का। देखिए कितना बड़ा ड्राइंग रूम बनाया गया है, सोफे और यहाँ पे फर्नीचर भी पूरा रेडी किया है। डेवलपर ने हमको आइडिया दिया है कि आप यहाँ पे फ्लैट लेके इस तरह से बना सकते हैं।
डाइनिंग एरिया है 7 फीट 4 इंच बाय 13 फीट 6 इंच का। मैंने आपको कहा था ना कि एक चीज आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर डेवलपर आपको ये जो मॉड्यूलर किचन है ये आपको बिल्कुल फ्री में बना के देंगे। अभी भी दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहना, अभी भी एक चीज बाकी है, वो मैं आपको एंड में कहूंगा। ये देखिए ये मॉड्यूलर किचन आपको इस तरह से बना हुआ मिलेगा। ये हमारा वॉश एरिया है 6 फुट बाय 4 फुट 9 इंच का। ये हमारा कॉमन अटैच टॉयलेट एंड बाथ 6 फुट बाय 4 फुट का। ये हमारा मास्टर बेडरूम 10 फुट बाय 10 फुट का। विंडो पूरा फर्नीचर पूरा बना के आपको डेवलपर ने बताया कि किस तरह से आप इस रूम की डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर हमको एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ मिलेगा 6 फुट 4 इंच का, 6 फुट बाय 4 फुट का। आइए दोस्तों हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। 9 फुट बाय 10 फुट का बेडरूम है। दोस्तों कैसा लगा देव 84 का 1 BHK और 2 BHK सैंपल हाउस? दोस्तों ये प्रॉपर्टी सही में बहुत ही अफोर्डेबल रेट में और बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको इसकी एमिनिटीज और ये प्रॉपर्टी क्यों आपको खरीदनी चाहिए उसके कई पॉइंट्स मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों अभी ये जो देव 84 प्रॉपर्टी है ये किस तरह से प्राइम लोकेशन में, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ से सिर्फ डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल, आज बच्चों की पढ़ाई का भी हमको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ से आप मैं आपको बता सकता हूँ ये पूरा न्यू अटवा एरिया जोन में आई हुई प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आसपास में बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्कूल आई हुई है, तो बच्चों को आपको पढ़ाई की कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं रह सकती है, बच्चों को पढ़ाई का भी बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। यहाँ से SP रिंग रोड, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, सामने ही है स्मृति मंदिर, बहुत ही फेमस जगह है, वो सिर्फ यहाँ से 7 मिनट यानी 7 मिनट के डिस्टेंस पे यहाँ से स्मृति मंदिर आएगा। और नारोल सर्कल BRTS सिर्फ 7 मिनट के डिस्टेंस पे है। एक्सप्रेस हाईवे अहमदाबाद टू बड़ोड़ा एक्सप्रेस हाईवे सिर्फ 12 मिनट के डिस्टेंस पे है। वस्त्राल मेट्रो स्टेशन, वस्त्राल यानी बहुत ही डेवलपिंग जोन और जिसकी कनेक्टिविटी हर जगह पे है, तो वो सिर्फ यहाँ से 15 मिनट पे है। लांबा मंदिर भी 5 मिनट के डिस्टेंस पे, मणिनगर रेलवे स्टेशन सिर्फ 12 मिनट के डिस्टेंस पे, गीता मंदिर ST बस स्टॉप सिर्फ यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पे, यानी बहुत ही अच्छे प्राइम लोकेशन में आई हुई प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों आप एक बार आओगे तो आपको ये आइडिया आएगा कि ये कहाँ से कनेक्टेड है सिटी एरिया से। दोस्तों यहाँ की एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पे फायर सेफ्टी है, वेटिंग लॉन्च है, ड्रॉप अप जोन, CCTV कैमरा, सोलर सिस्टम दिया हुआ है, 24 आवर्स लाइट, 24 आवर्स वाटर, सिक्योरिटी केबिन, आकर्षक एलिवेशन और लिफ्ट तो मैंने बताई, हर फ्लोर पे आपको 2 लिफ्ट है। और यहाँ की डिज़ाइन पूरी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाई गई है। और दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल और बेसमेंट पार्किंग भी अवेलेबल है, तो दोस्तों पार्किंग की भी समस्या हमको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों
बहुत ही अच्छी लोकेशन और अच्छी एमिनिटीज में आई हुई प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों आप आइए और देखिए ये प्रॉपर्टी। मुझे मालूम है इतने अफोर्डेबल रेट में आपको ऐसी प्रॉपर्टी पूरे अहमदाबाद में नहीं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक स्कीम भी अभी डेवलपर ने दी हुई है। सिर्फ यहाँ पे आप 2 लाख रुपया भरिए और यहाँ पे बुकिंग अमाउंट भर के आप मकान का आप अपने नाम पे कर सकते हो। तो दोस्तों आप स्कीम का लाभ ले लीजिए और यहाँ पे आइए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ के डेवलपर और यहाँ के जो केयर टेकर है उनके नंबर दिए हैं, आप उनसे फ़ोन करिए और यहाँ की इंफॉर्मेशन लीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों बहुत बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आज आपके साथ सरकार से हम इतना आगे बढ़े हैं और हमको आगे बढ़ाइए। मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो नए नए बनाता रहूँगा। दोस्तों मैं आपके लिए अब ऐसी नई साइट के ही वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों हम मिलते हैं नई जगह पे, नए लोकेशन के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।